ये लास्ट टाइम था पक्का। ना आई डोंट थिंक सो ये लास्ट टाइम था। एक्चुअली वन कार्ड पे डिस्काउंट मिल गया ना इसीलिए। वन कार्ड इज ए क्लासी मेटल क्रेडिट कार्ड जो कि वर्चुअल कार्ड भी है, वो भी लाइफ टाइम फ्री। इसके ऐप के अंदर ही सब कुछ हो जाता है, जैसे कि स्पेंड्स को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो एक ही क्लिक में, रिवॉर्ड्स रिडीम कर सकते हो फॉर कैश इंस्टेंटली, एंड और भी काफी यूनिक फीचर्स जैसे कि स्वाइप टू पे जिसमें ओटीपीस की जरूरत ही नहीं है। बाकी बढ़िया ऑफर्स है एंड सिर्फ 1% फॉरेक्स फीस। सो डाउनलोड वन कार्ड ऐप एंड इंस्टेंटली गेट योर वर्चुअल कार्ड। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। याद है बचपन में हमें मास का एक डेफिनेशन रटवाया जाता था। मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी, जो कि आई फील इंसानों पे बिल्कुल लागू नहीं होता। बिकॉज मेरे स्कूल लाइफ में आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो बेहिसाब खाना ठूसते थे एंड कसम से फिर भी जीरो फिगर से भी तीन साइज छोटा वाला फिगर मेंटेन करते थे। साला इतना खाना जाता कहाँ है तेरे अंदर? अब मुझे पहले वेट प्रॉब्लम्स हो रखी है, ओके? यू नो दोस किड्स विद चबी चीक्स जिसका आंटियों ने खींच खींच के शॉर्मा बना दिया। खैर अभी तो दाढ़ी आती है वहां पर। तुम इस बात को नकार नहीं सकते कि हम सभी अपने बॉडी को लेके कॉन्शियस तो है, जो कि टीनेज इयर्स के बाद स्पेशली बहुत बढ़ जाती है। ट्वेल्थ के बाद ना लौंडे अक्सर दो रास्ते चुनते हैं। पहला अबे बस कर भाई, लोग गलत समझ रहे हैं। और दूसरा अरे तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हारे लिए चांद ताड़े भी तोड़ के ला सकता हूं। मेरे बाबू ने थाना थाया। अरे बेबी तुम तो सालिनी से भी ज्यादा क्यूट हो यार। माँ कसम। क्या मतलब मैं फिर उसके फोटोज क्यों लाइक करता हूँ? अरे बहन बड़ी तू समझती क्या है खुद को? मैं जनरली खुद को भुक्कड़ के कैटेगरी में ही रखता हूँ। अननोन वेडिंग्स में ठूसने के लिए घुस जाता था भाई एक टाइम पे। बट बचपन से ही आई डिड नॉट हैव एनीथिंग फॉर जंक फूड जैसे कि बर्गर पिज्जा मोमोज। आई एम लाइक भाई ये सब क्या है, बिरयानी किधर है? अब जितने भी फिटनेस एंड हेल्दी डाइट्स को तुमने टीवी पे देखा होगा वो ज्यादातर चटपटा या मसालेदार चीजों को अवॉइड करने बोलते हैं, राइट? विच इज नॉट पॉसिबल। लाइक हाउ कैन यू रिमूव इंडिया फ्रॉम इंडियन क्विजीन? भाई स्पाइसेस के लिए अंग्रेज तक समुद्र पार करके आ गए थे। तुम सोच रहे हो हमने उनके खाने तक को इन्फ्लुएंस कर डाला? I can literally imagine an Indian mom sitting in a business meeting. तो हम oats पे थोड़ा हल्दी और मिर्ची का तड़का लगा के इसको मसाला oats बना देते हैं। पर मैम ये तो American cuisine। अरे तू डाल रे, माल बेचना है कि नहीं? मेरी मम्मी ने कभी मेरे खाने पे रोक टोक नहीं लगाया। जो भी मैं उनको बोलता था वो टिफिन में बना के दे देती थी। बट असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब मैं खाना बाहर से ऑर्डर करता हूँ। अब ऐसा नहीं कि डांटना मारना, those are outdated weapons. Now what she does is guilt treatment. आज फिर से घर का इतना सारा बचा हुआ खाना वेस्ट होगा। हमारे भारत में कितने लोग हैं जिन्हें ये सब भी नसीब नहीं होता। तो ये बात है लॉकडाउन के वक्त की, जब मेरे ओवरऑल शेड्यूल एंड खाना पीना काफ़ी इरेगुलर हो गया था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स डाउनलोड किए थे क्योंकि ऑब्वियसली बाहर जाना बंद था। एंड भाई मैं पागल हो गया। आई वॉज लाइक ये तो कमाल का इनोवेशन है। अब तक तो सब काम धाम छोड़ के बाहर जाना पड़ता था, रेस्टोरेंट के लाइन में लग के आधा कीमा तो मेरा ही बन जाता था। अब मैं घर के कम्फर्ट में बैठ के आराम से खा सकता हूँ। वेरी गुड। और मुझे पता ही नहीं चला कब ये एडिक्शन में बदल गया। ये ऑनलाइन खाना मंगाना मेरे लिए इतना ज्यादा कन्वीनियंट था ना कि मैंने इसको एक एस्केप जैसा बना लिया था। अब मेरा मूड खराब होता तो मैं खाना ऑर्डर करता, अच्छा होता तो भी ऑर्डर करता। मैं मेरे डिसअपॉइंटमेंट्स और नाकामयाबियों को खाने के उस मोमेंटरी प्लेजर से भरने लगा था। एज अ रिजल्ट लॉकडाउन खत्म होते होते मेरा वेट बहुत बढ़ गया था एंड आई स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ। Not because मेरी पहले के तरह और lean body नहीं रही, but because I felt helpless. मैं नहीं चाहूंगा अपने आप को कितना भी resist करूं, तब भी मेरे हाथों से order हो जाता था। Then एक रात जब मैं ऐसे ही अपने cravings को satisfy कर रहा था, I realized, भाई ये
क्या कर रहा हूं मैं अपने लाइफ के साथ। वो सडन रियलाइजेशन ने मुझे इतनी जोर से हिट किया दैट आई डिसाइडेड इट वॉज टाइम फॉर सम डैमेज कंट्रोल। तो सबसे पहले तो मैंने इन एप्स को अनइंस्टॉल कर दिया इस लूप को तोड़ने के लिए। अभी तक तुम्हें मेरे पर्सनैलिटी से पता चल गया होगा दैट आई एम नॉट अ जिम गाय, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस सजेस्ट किए थे एंड उनमें से एक थैंकफुली काम कर गया। सो नाउ फाइनली आई एम बैक इन शेप। तुम्हारा जो भी बॉडी टाइप या ईटिंग हैबिट्स है, इट इज ओके एज लॉन्ग एज यू आर ओके विद इट। योर बॉडी इज योर चॉइस, बट एडिक्शन किसी भी तरीके का लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होता। अब ये मत समझना कि मैं तुम्हें एनी सॉर्ट ऑफ चीजें खाने के लिए मना कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी भी बाहर का ठूसता हूं, बट इट इज अंडर कंट्रोल। डू यू अंडरस्टैंड? सो आई गेस दैट्स इट। लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो। बिरयानी लवर्स कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो विद योर स्केलेटन फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।